दोस्तों, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आइए अब एक प्रश्न देखते हैं। आकृति में KLMN एक आयत है और OPQR क्रमशः भुजा KL, LM, MN और NK के मध्य बिंदु हैं और चतुर्भुज OPQR का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आयत KLMN का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, प्रश्न को हल करने से पहले बताइए कि चतुर्भुज OPQR किस प्रकार का चतुर्भुज है। हम पढ़ चुके हैं कि किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, यानी चतुर्भुज OPQR एक समांतर चतुर्भुज है और हमें आयत KLMN का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के उत्पाद के बराबर होता है, लेकिन हमें इसकी विमाएं नहीं दी गई हैं। हम देख सकते हैं कि आयत KLMN इन भागों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल इन सभी क्षेत्रफलों को जोड़कर प्राप्त होगा। हमारे पास OPQR के क्षेत्रफल की जानकारी तो है, लेकिन इन भागों के क्षेत्रफल की जानकारी नहीं है। यदि हम समांतर चतुर्भुज OPQR में विकर्ण RP खींचें, तो इस चतुर्भुज में दो सर्वांगसम त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुज OPR और त्रिभुज PQR, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है और सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज OPR के क्षेत्रफल के और यह आधा होगा समांतर चतुर्भुज OPQR के क्षेत्रफल के, जिससे हमें इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिलेगा 18 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों, अब अगर हम चतुर्भुज KLPR को देखें, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज होगा? आप वीडियो पॉज करके इस पर विचार करें। दोस्तों, यह भी आयत होगा या कह ले कि समांतर चतुर्भुज। हमें दिया है कि KN बराबर है LM के और KN समांतर है LM के, क्योंकि चतुर्भुज KLMN एक आयत है। R और P क्रमशः KN और LM के मध्य बिंदु हैं, इसलिए KR बराबर है LP के और KR समांतर है LP के। आप देख सकते हैं कि चतुर्भुज KLPR में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर है और समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज KLPR एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ चतुर्भुज KLMN में सम्मुख भुजाओं के एक युग्म के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने यह दोनों चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज ही होंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OPR और समांतर चतुर्भुज KLPR एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं? जी हाँ, यानी त्रिभुज OPR का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज KLPR के क्षेत्रफल का आधा है, या कह लें कि समांतर चतुर्भुज KLPR का क्षेत्रफल त्रिभुज OPR के क्षेत्रफल का
दोगुना है। इसीलिए चतुर्भुज KLPR का क्षेत्रफल त्रिभुज OPR का क्षेत्रफल है 18 वर्ग सेंटीमीटर, जिससे हमें समांतर चतुर्भुज KLPR का क्षेत्रफल मिलेगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज RPMN का क्षेत्रफल भी 36 वर्ग सेंटीमीटर होगा और इन दोनों को मिलाकर बनता है आयत KLMN और चतुर्भुज KLMN का क्षेत्रफल बराबर होगा चतुर्भुज KLPR और RPMN के क्षेत्रफल के योग से। इस प्रकार हमें आयत KLMN का क्षेत्रफल प्राप्त होगा 72 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति में चतुर्भुज KLMN और चतुर्भुज OPMN समांतर चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज OPMN का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है। भुजा KN और भुजा MN की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज KLN का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप वीडियो पॉज कर इसका उत्तर स्वयं ज्ञात करने की कोशिश करें। दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज KLMN और OPMN का आधार एक ही है। भुजा MN और दोनों एक ही समांतर रेखाओं OL और MN के बीच स्थित हैं। इसीलिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज OPMN का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है, यह हमें दिया गया है। इसीलिए समांतर चतुर्भुज KLMN का क्षेत्रफल भी 108 वर्ग सेंटीमीटर होगा। त्रिभुज KLN में भुजा KL का माप 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज KLMN में इसकी सम्मुख भुजा MN का माप 12 सेंटीमीटर है और भुजा KN का माप 8 सेंटीमीटर है, यह हमें दिया गया है। अगर हम त्रिभुज KLN का क्षेत्रफल इस तरह 48 वर्ग सेंटीमीटर, क्या यह सही है? दी गई आकृति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई का सूत्र लगाने के लिए हमें इसके आधार और ऊंचाई के माप की आवश्यकता होगी। हमारे पास आधार KLN का माप दिया गया है और भुजा KN का माप दिया गया है, लेकिन KN त्रिभुज की ऊंचाई नहीं है, क्योंकि KN लंबवत दूरी नहीं है। चलिए देखते हैं इसको बिना यह सूत्र लगाए कैसे हल करेंगे। आकृति को ध्यान से देखिए। त्रिभुज KLN और समांतर चतुर्भुज KLMN एक ही आधार KL और एक ही समांतर रेखाओं KL और MN के बीच स्थित हैं। इसीलिए त्रिभुज KLN का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज KLMN के क्षेत्रफल के आधा होगा। हमें ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज KLMN का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार हमें त्रिभुज KLN का क्षेत्रफल प्राप्त होगा 54 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। अगली वीडियो में इसी पर आधारित कुछ और तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।